शहर के रियासती इलाकों में घर के बाहर अपनी बहन के साथ खेल रहा एक 8 साल का मासूम बच्चा अचानक गायब हो गया। घटना के समय उसका पिता काम पर गया हुआ था और उसकी मां बाजार गई हुई थी। जब काफी देर तक वह घर वापस नहीं आया तब उसके माता पिता के साथ परिजनों और अन्य मोहल्ला वालों ने उसकी काफी खोजबीन की मगर उसका कुछ पता नहीं चला। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सुकिरापुरा भदैयापुरा का है, जहां परिजनों की गैर मौजूदगी में 8 वर्षीय हर्ष अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वह अचानक लापता हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब उसके माँ बाप घर आए तब उसकी 5 वर्षीय बहन ने बताया कि उसका भाई काफी देर से नहीं है। उसके पिता दीपक कुशवाहा और मां गीता कुशवाहा के साथ पार्षद मुकेश रजक और अन्य परिजनों ने उसकी बहुत तलाश की मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शाम को लगभग 6 बजे उसके पिता दीपक कुशवाहा के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और बच्चे के एवज में 5 लाख की फिरौती मांगी गई। तब अपहरण और फिरौती का मामला संज्ञान में आया। पीड़ित पिता दीपक कुशवाहा ने सदर कोतवाली पुलिस को लिखित रूप में इस घटना की सूचना दी। तब पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनंद फानन में SP ने टीम गठित कर बच्चे को सकुशल बरामदगी के आदेश दिए। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसका पिता किसी दुकान पर मजदूरी का कार्य करता है और माँ गृहिणी है। उसकी हैसियत 50,000 देने की नहीं है मगर अपहरण करने वालों ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की है। मामला पहेली बना हुआ है। पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि जिस नंबर से फोन आया था वह किसका है मगर पुलिस की जांच में वह चोरी के मोबाइल का नंबर निकला। इस मामले में SP कैप्टन MM बेग का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद टीम गठित कर दी गई है। जल्दी हम अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्ची को छुड़ाने में कामयाब होंगे। तो वहीं बच्ची के पिता दीपक कुशवाहा ने बताया कि उसका बच्चा गायब हुआ और उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सर, ये बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। कोतवाली अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा किसी बच्चे को पहला फैसला करने जाने की बात दर्ज कराई गई है। FIR हम लोगों ने दर्ज कर ली है और इसमें टीमें मैंने गठित कर दी हैं और हर तरह की टीमें इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस केस का अनावरण करेंगे और जो भी इसमें दोषी है और उसकी गिरफ्तारी होगी, बच्चा सकुशल बरामद हम करेंगे। बहुत जल्द अभी इस विषय में पूरी गहनता से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर हम बताने का रहेंगे। क्या घटना हुई थी? आपका बच्चा गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, क्या है? 8 साल को हुआ तो है। हम एक लड़की हूँ कपा लिया है, सुबह बदल भी चले गए गाय बाजार तक और लौट के आए। सो एक लड़की हमारी छोटी वारी होते बैठी थी पड़ोसी के आगे, उन्हें को एक मोबाइल दे के चले गया। तो उसकी मम्मी ने बोली कि वो हमने कही वो संजू का है लड़का को नाम लेके सुबह का कह रही हार है गाँव और हमारी मोड़ी को मोबाइल देगा बड़ा वाला देख रही वो नहीं के आगे थे सामने। मोबाइल कौन किसने दे दिया लड़की? वो नहीं के कोई नहीं नाम ले गई संजू को लड़का। कोई किसी पे आपको क्या किसी पे शक है क्या? शक नहीं। अच्छा, आपसे कुछ पैसों की मांग की गई है? कुछ नहीं, ना लड़ाई ना झगड़ा का नहीं। आपका बच्चे गायब हुआ जब से गुम हुआ तब से फिर किसी का फोन आया था कि पैसे की मांग हुई? कितना पैसा मांगा? 5 लाख मांगे थे। मोबाइल पे थोड़ी बात करी फिर रख दो फिर नहीं करी। अंकल एक बार थोड़ा सा गैप करो। हाँ बताइए, क्या पूरा मामला, कैसे बच्चा गायब होगा, कितनी उम्र है, कहाँ से हुआ है? ये 16 तारीख की बात है, दोपहर 2:30 या 45 हो रहे होंगे। तो घर पे बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों अकेले थे घर पे। ये लोग बाहर खेल रहे थे तो पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद मतलब कि बच्चा कहाँ गोल हो गया है, छोटी बच्ची वहीं पर। बाद में उसने बताया कि भैया मिल नहीं रहा है, मम्मी के लौटने पर बाजार गई थी जो, तो लौट के आई तो उसने बोला कि भैया नहीं मिल रहा है मम्मी। तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया, फिर उसके बाद 4 मुझे कॉल आई कि आप पैसों की व्यवस्था करके रखिए और आपका बच्चा बीना पहुँच चुका है। कितना पैसा? कितना पैसा मांगा गया मुझसे? सर 5 लाख रुपये की डिमांड की गई थी। तो अभी कुछ पता चला कि नहीं पता? अभी 3 हो चुके हैं और कुछ भी। कहाँ शिकायत की आपने? नहीं मिली है। कहाँ शिकायत की अभी आपने? सब जगह शिकायत कर चुके हैं, कोतवाली हैं, कोई पता नहीं चला है। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी? पुलिस से ही कर चुके हैं। कोई बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी आप लोग
शांत रहिए, मामला चल रहा है, हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्दी आपका नाम।